क्या 2023 में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलने वाला है? जी हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है? आज की वीडियो में हम यही विश्लेषण रखेंगे कि क्या मार्केट में एक और बहुत बड़ा गिरावट दिख रहा है। 2008-2020 में जो बहुत बड़े गिरावट देखने को मिले, क्या मार्केट यहाँ पे हमें संकेत दे रहा है? इसके पीछे ही हम विश्लेषण करेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ टेक्निकल्स पॉइंट पे भी ध्यान देंगे। वीडियो के लास्ट में हम दो क्वेरी को कवर करेंगे जो हमेशा हम कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं 2022 का कुछ यहाँ पे फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। जी हाँ, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स ने पिछले एक साल में 4 से 5% का रिटर्न दिया है। 2022 में मार्केट ने FD से भी कम रिटर्न यहाँ पे दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि लगातार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और उसके चलते FD का रिटर्न भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरे फैक्ट की बात करूँ तो 2022 में 14 टाइम्स ऐसा देखने को मिला कि मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर का बढ़त दिया हो। वहीं पे 14 टाइम्स हमें ये भी देखने को मिला कि मार्केट में गिरावट 1000 पॉइंट से ज़्यादा हुआ है। 2022 में यहाँ पे FII के साइड से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है। जी हाँ, 1 लाख करोड़ के ऊपर का यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो DII के साइड से लगातार खरीदारी देखने को मिला है और FII से भी ज़्यादा यहाँ पे DII ने खरीदारी किया है। 2020 में जब कोविड का सिचुएशन काफ़ी हाई था तो उस समय IT और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया, लेकिन 2022 में ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। देखो, 2020 में कोविड में जो सिचुएशन था, हर एक इन्वेस्टर वाकिफ है, बहुत ज़्यादा गिरावट, लोग डर गए थे, वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए थे और इन्वेस्टर का ये मानना था कि यहाँ पे मार्केट और गिर सकता है। क्या वाकई में फिर से वैसा कोविड का सिचुएशन देखने को मिलेगा? क्या फिर से मार्केट में यहाँ पे 25 से 30% का गिरावट देखने को मिल सकता है? कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका मानना ये है कि चाइना में जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका असर इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है। देखो, मैं आपको बता दूँ, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोविड के रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जी हाँ, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसे कंट्रीज में आता है जहाँ पे कोविड को कंट्रोल करने के लिए सबसे स्ट्रांग स्ट्रैटेजी तैयार किया गया था और ऐसे में ये मानना है कि कोविड के जो केसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं उसका ज़्यादा असर इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपके सामने डाटा रखूं तो इस डाटा में आप देख सकते हो जो करंट अभी कोविड के केसेस हैं डे बाय डे वो काफ़ी कम हैं। जी हाँ, और जो चाइना में अभी असर देखने को मिल रहा है वैसा असर इंडिया पे नहीं देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इंडिया में कोविड के केसेस काफ़ी कम हैं और मेरा ये भी मानना है कि इसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत गिरावट हो, 1500, 1000, 2000, 2500 का पॉइंट का गिरावट यहाँ से और देखने को मिले, लेकिन मार्केट में फिर से रिकवरी होगा। चाइना की बात करें तो लगातार वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और इसका असर जो सप्लाई चेन पे है उस पे देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेके इंडिया काफ़ी ज़्यादा चाइना पे डिपेंड है, जैसे कि मोबाइल गजट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। सप्लाई चेन पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट बढ़ सकता है और इंडिया के इन्फ्लेशन रेट में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट लिंक है। जी हाँ, यहाँ पे गिरावट हो सकता है, लेकिन जो चाइना में गिरावट देखने को मिलेगा, अदर कंट्रीज में गिरावट देखने को मिलेगा, वैसा गिरावट इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे आपको देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। क्या सेंसेक्स कहता है? क्या यहाँ सेंसेक्स में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा? तो आप ये देख सकते हो, मैंने इंडिकेटर का हेल्प लिया है, यहाँ पे बोलिंगर पेंट, यहाँ पे मैंने MSCD और RSI इंडिकेटर का हेल्प लिया है। देखिए, RSI के अकॉर्डिंग बात करें 32 लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है
और मेरा मानना ये है कि अगर गिरावट होगा, कुछ पॉइंट्स के गिरावट और देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 59,500 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। इसके बाद मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। अगर मैं MACD इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ भी दबाव है, जी हाँ सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि DII के साइड से लगातार खरीदारी देखने को मिल रहा है। अगर मैं 23rd की बात करूं तो FII के साइड से बिकवाली देखने को मिला, जबकि DII के साइड से 3000 करोड़ के ऊपर का खरीदारी देखने को मिला। वहीं पे अगर इंडिया वीक्स का चार्ट देखूं, जो लोग काफी नए हैं इंडिया वीक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिलता है तो ठीक इसके अपोजिट सेंसेक्स और निफ्टी में यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है, और इंडिया विक्स में अगर तेजी का रुझान रहता है तो ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिलता है। अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो यहाँ पे अभी तेजी का रुझान है और हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स के बाद यहाँ पे इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिले। मैं अगर अपना व्यूज रखूँ तो मैं आपको बता दूँ कि कोविड की केसेस का दबाव इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिलेगा, लेकिन उतना असर नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे 2,500 से 3,000 का गिरावट देखने को मिले, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकता है। मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर करेगा। जी हाँ, देखो रिटेल इन्वेस्टर को ना कई बार मार्केट डिस्टर्ब करता है, कई बार आपके अंदर फियर फैक्टर लेके आता है, जिसके चलते आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हो और मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि काफ़ी समझदारी से आपको स्टॉक्स में खरीदारी करना है। जी हाँ, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि RSI के हेल्प के थ्रू आप स्टॉक्स का चयन करें कि क्या स्टॉक्स काफ़ी सस्ता हो चुका है कि नहीं हो चुका है। चलिए अब कल के वीडियो से दो क्वेरी को कवर करते हैं। जी हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेरी जो नील जी के साइड से है, सर मैंने HDFC में लमसम SIP की है और वो अब नीचे गिरने लगा है, और भी जैसे कि पराग परिक फ्लैक्सी के पूर्णवी फ्लैक्सी के सब लॉस में है, फंड को क्या करें सर, कोई जानकारी दे। देखिए सुनील जी, आपने फंड का नाम नहीं बताया कि HDFC का कौन सा म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाया हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी में आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मार्केट में गिरावट है तो आपके म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक है, और हम कभी भी म्यूचुअल फंड को काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं फोकस करते, हमें लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए। और ऐसे में समझदारी ये होगा कि आप इंतज़ार करें सही समय का। इस समय कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव एक्शन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आपने सिर्फ 2 महीने और 3 महीने का समय दिया, इट मीन्स कि आप सिर्फ 2 से 3 महीने पर इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आप मार्केट को कम से कम 2 से 3 साल का समय दो, तब जाके आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेहा जी के साइड से, सर मैंने लमसम किया था, उसे विड्रॉ करना चाहिए क्या, अभी 2 मंथ ही हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ 2 महीने कंप्लीट किए हो और म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे 2 महीने से मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये गलत डिसीजन है। म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 साल का तो समय देना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा नहीं बन सकता है। हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हो, कोई अलग एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, तो वो अलग बात है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसी गलती ना करें। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।